फ्लोर चल नेक्स्ट रहा है। फ्लोर है, हाँ तुम हाँ आ गए हो ना ठीक आप जाइए। ठीक ठीक अब वो लॉग आउट कर दीजिए, फिर हमको आप तो मिलेंगे ना, हम कैसे करेंगे दोबारा से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है मैम, जब रिकॉर्ड करना होगा तो दोबारा मैम वहीं पर जाएंगे मीट पे ना। गुड आफ्टरनून सभी लोग, बेटा कैमरा ऑन कर लो अपना अपना। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। जो भी कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ क्लियर करना है, कभी कोई कंफ्यूजन क्लियर करना है? आरती यस मैम। क्या बताना है पूछो। वही मतलब वही स्टार्टिंग से आवाज करके हमारी बहुत स्लो आ रही बेटा, थोड़ा तेज बोलो। मैम कह रहे एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि हम थोड़े बाहर थे इस वजह से। क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछो, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे कंफ्यूज हो? मैम वो जो पाषाण काल और ये सब जो बता रही थी कि मतलब थोड़ा सा अच्छा। भूल गए हैं, वो पत्थर की खोज की धरती हुई थी, जी औजार की और वो सब, थोड़ा थोड़ा वो तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, वॉइस एकदम स्लो आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जो भी बोल रही है, थोड़ा तेज बोलो। मैम तेजी बोल रहे हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे म्यूरल के इतिहास की, म्यूरल की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारी कला की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमने बताया था कि हमारी कला की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से ही हुई है, जब से मानव संस्कृति का इतिहास शुरू हुआ है, मानव का इतिहास शुरू हुआ है, वहीं से हमारी कला का शुरुआत हुई है, कला के इतिहास की शुरुआत, ये बताया था उस दिन हमने। ठीक है, ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एक सिलेबस का पार्ट है म्यूरल, उसमें हमारे म्यूरल का जो पार्ट है वही से हमारे कला की शुरुआत हुई, मतलब जो हमारे आदि मानव थे उन्होंने कहाँ पे चित्रकारी करी थी, हमने बताया था ना उस दिन, बताओ कौन बताएगा कहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने चित्रकारी करने की? केव्स में, केव्स गुफाओं में, में, रॉक्स में, केव्स की छतों पे, केव्स की दीवारों पे उन्होंने शुरुआत की थी, रॉक पेंटिंग की थी। तो इसी वो हमारे एक म्यूरल का ही पार्ट है, हमारे एक कला का जो इतिहास है वो म्यूरल से एक तरीके से शुरू हुआ था ये हम कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपके थ्योरिकल पार्ट भी है, आपकी हिस्ट्री की शुरुआत भी यहीं से होगी जब आप लोग सेकेंड ईयर में थ्योरी पढ़ाई करेंगे, और ये हमारे एक म्यूरल का भी पार्ट है, इसलिए हम आपको इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको जो स्टूडेंट्स म्यूरल लेंगे उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो स्टूडेंट्स अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे म्यूरल को लेके उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस थ्योरी से। ठीक है आरती, हमने बताया था मानव का इतिहास जो शुरू हुआ था कब से शुरू हुआ था, प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुआ था, और प्रागैतिहासिक काल के अलावा दो काल और चलते हैं हमारे साथ में जिनको हम लोग बोलते हैं, एक तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक काल। सभी को क्लियर है ये, किसको आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं, किसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं, या किसको हम लोग ऐतिहासिक काल बोलते हैं? शशांक आप बताओ। मैम हिंदी से तो समझ नहीं आ रहा, वैसे आप इंग्लिश से बताइए। आप जैसे भी समझा सकते हो वैसे समझाओ, हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश को भी आगे लेके चले, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रेफर करते हो ना, नहीं समझ में आ रहा होगा।
कुछ भी नहीं समझ में आता है, मतलब इतना भी नहीं समझ पाते हो, सिंपल वर्ड्स हम काफी सारे वर्ड्स इसीलिए इंग्लिश में यूज करते हैं कि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हमें बताओ, हम इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसका। आई मीन टॉपिक को, तीन टॉपिक को इंग्लिश में आप बता दीजिए। प्रागैतिहासिक को आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, इंग्लिश की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप एक सिंपल लैंग्वेज जो सभी को समझ में आती है, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इतनी लैंग्वेज तो सबको समझ में आती है, ठीक है। प्रागैतिहासिक का मतलब है जहाँ से हमारे इतिहास, मतलब जहाँ से एक शुरुआत हुई है मानव संस्कृति की या मानव सभ्यता की, हमारा जो आपको इतिहास देखने को मिलेगा वो वहीं से शुरू हुआ है, जिसको हम लोग पाषाण युग भी बोलते हैं, यानी पत्थर का युग, ठीक है। क्योंकि इसलिए भी बोला गया क्योंकि लोग जो गुफाओं में रहते थे उनके पास रहने के लिए अपना घर, अपने मकान नहीं थे, उनको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं था, ना उनको आग का ज्ञान था, ना किस तरीके से खाना पकाया जाता है, कैसे पहना जाता है, कैसे रहा जाता है, किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, गुफाओं में निवास करते थे। तो वो इतिहास जो है प्राग ऐतिहासिक, मतलब इतिहास से पहले का जो हिस्सा था उसको हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक बोला, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक मतलब वो काल जिसमें हम लोगों को लिखित रूप में कुछ साक्ष्य मिले, जैसे हम लोग पुराने समय की बात करते हैं तो हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं ना, कुछ लिखा पढ़ी में ऐसा कुछ मिलता है जिससे हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि ये किस समय की सभ्यता है या किस काल की सभ्यता है, इसमें क्या क्या काम हुआ, इसमें कैसे कैसे लोग थे, वो इतिहास जब हमको मिलता है, लेकिन वो इस भाषा में मिला हमको कि हम उसको पढ़ नहीं सके, हम उसको समझ नहीं सके, साक्ष्य मिला हमको लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो ऐसा जो समय रहा वो हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। मतलब ऐतिहासिक से जो पहले का समय था वो हो गया आद्य ऐतिहासिक। जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता की जब बात करते हैं तब उस वो आद्य ऐतिहासिक में हम पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक बाद का जो समय आता है वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जिसका कुछ इतिहास है, जिसके हमको साक्ष्य भी मिले, जिसको हम लोग पढ़ भी सके, जिसके बारे में हमको पूरी नॉलेज है, ठीक है, हमको पूरे साक्ष्य मिले, उसको हम पढ़ भी पाए, उसका हमारे पास आज इतिहास मौजूद है, वो हो गया हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आपको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का जो डिफरेंस है वो तो समझ में आ गया होगा। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, आपकी जो जोगीमारा की गुफाएं हैं, जब जोगीमारा केव्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमें सबसे पहली चित्रित गुफा मिली है जिसका हमें इतिहास पता है वो जोगीमारा की गुफा है, तो उसके बारे में हम आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे और जब हम म्यूरल का डिस्कशन करेंगे आगे तब उसमें भी आपको इसे समझाएंगे, क्योंकि जोगीमारा की भी छतों और गुफाओं, छतों पे और दीवारों पे ही काम हुआ, तो वो भी हमारे एक म्यूरल का इतिहास है, वो भी हमारे एक म्यूरल का पार्ट है, ठीक है। इतना कंफ्यूजन क्लियर हुआ आरती आपको, शशांक? यस मैम हो गई। अब हो गया ना? ठीक है। शिवांगी, रश्मि, सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम सबको, ठीक है। हम ये चाहते हैं जब आप जो चीज पढ़ रहे हो, मतलब आपका म्यूरल एक पार्ट चलेगा आपका, जो आपका फोर्थ ईयर तक कंटिन्यू होगा, अगर आप में से कुछ एमएफए करना चाहोगे तो उसको आगे भी लेके चल सकते हो, तो जो चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं जहां से आप शुरुआत कर रहे हो उतना आपको कम से कम क्लियर हो कि अगर आपको कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे उस दिन हमने आपको बताए थे उत्तर प्रदेश के गुफा गुफाएं जो मिर्जापुर मिली है ना, उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर गुफा मेन थी उसमें से हम लोगों को 100 से अधिक गुफाएं मिली, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमें कौन कौन से चित्र मिले, उसमें से उन चित्रों की श्रेणी क्या थी, उनमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ था, ये सब पता है आप लोगों को? क्लियर है? नहीं, मैम कलर चार, मतलब चार तरह के कलर यूज हुए थे, रेड, येलो, व्हाइट और ब्लैक, उनको हिंदी में आपने बताया था जिसमें बोला जाता था काजल, राम, रज, गेरू, काजल, इन्हीं रंगों का प्रयोग होता, खड़िया। यस मैम, ठीक है। इन रंगों को मिला के यहाँ पे मिर्जापुर की आप जितनी भी गुफाओं में देखेंगे तो उस समय हमें इन्हीं रंगों का ज्यादातर इस्तेमाल मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। हमने मिर्जापुर की बात कर ली, आगे हमने बोला था आपको मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र बताएंगे,
ठीक है, जहाँ पे भी जिसको कंफ्यूजन हो वो रुक के क्वेश्चन कर सकता है, आप लोग अपना कंफ्यूजन क्लियर करते रहिए, ठीक है, हमें एक बार नहीं 10 बार हम बताएंगे, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप तुरंत रुक के पूछिए, ठीक है। सबसे पहले मैम ये कह रहे कि कल सच में अच्छे से क्लास नहीं कर पाए थे, एक तो व्रत था फिर बाहर थे इस वजह से। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश का गुफा के बारे में पूछना जरूरी है ना, हम लोग आपके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बैठे हैं, जहाँ पे जो चीज नहीं समझ में आए आपको, एक नहीं दो नहीं जितनी बार नहीं समझ में आए पूछिए, लेकिन उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो हम लोग जब मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक सबसे पहला क्षेत्र जो आता है वो आता है हमारा पचमढ़ी, सभी ने नाम सुना होगा, पचमढ़ी के बारे में जानते हो सब लोग? नहीं जानते हो? नहीं पता। नहीं पता, मध्य प्रदेश में आपका एक पचमढ़ी जगह आती है, बहुत सुंदर जगह है, कभी आप लोगों को जाने का मौका मिले तो जाके, वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ पे जो एक मेन गुफा है महादेव पहाड़ी में स्थित है, ठीक है, उसमें लगभग हमारे उसके घेरे में लगभग 50 गुफाएं आती हैं, ठीक है, उन 50 गुफाओं में सभी में चित्र मिले हैं, और उस समय के जो चित्र होते थे वो 3 स्तर के, मतलब 3 लेवल के चित्र होते थे, हमको 3 टाइप के चित्र उसमें देखने को मिलते थे। सबसे पहला जो चित्र होता था, जैसे आप लोगों ने वर्ली आर्ट देखा होगा अगर किसी ने, जिसमें डमरू जैसे शेप्स होते हैं, जो ह्यूमन बॉडीज होती है उनमें डमरू जैसे शेप्स होते हैं, उनके जैसी आकृतियां देखने को मिली, डमरू नुमा और तख्ती नुमा, जो उन्होंने शुरुआत की थी चित्रों को बनाने की, तो उसके जो पहले स्तर के चित्र थे उसमें 2 तरीके के चित्र देखने को मिले, पहला चित्र डमरूनुमा और तख्तीनुमा, ठीक। दूसरे जो चित्र मिले हैं उसमें आपको जो फिगर्स बने हैं, मतलब उनको ह्यूमन बॉडी के तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो उनका आकार था वो बहुत ज्यादा सुडौल नहीं था, आकार जो था वो मोटा था, बेडौल था, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सुडौलता कोई सुंदरता नहीं थी, उसका गठन करने की कोशिश की। तीसरे टाइप के जो चित्र थे उसमें हमें थोड़ा सा सुडौल चित्र देखने को मिले, और उसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो उस टाइप के चित्र हैं, जैसे समूह के चित्र, गायन वादन के चित्र, एक साथ ग्रुप में लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर शहद मक्खियों के छत्ते से शहद निकालने जा रहे हैं। मैम जिराफ समूह जो था वो इसी में मिले थे ना? जिराफ समूह बेटा इसमें नहीं मिला, पंचमढ़ी से। अच्छा, पंचमढ़ी से नहीं मिला था, वो आगे की गुफाओं में मिला। इसमें आपको इसी 3 टाइप के ही चित्र ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और पंचमढ़ी की गुफा की खोज किसने की थी पता है किसी को? मैम जी आर हंटर करके नाम था। नहीं कार्ड नहीं, उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। मैम वो तो भीमबेटका की किए थे ना, प्रोफेसर बाकड़कर, आपने नाम सुना होगा, बीएस बाकड़कर ने इन चित्रों की खोज की थी। यस मैम, लेकिन वो तो भीमबेटका के। मैम फिर से नाम बता दीजिए। जीएच गार्डन शायद मैम, जीएच गार्डन पता नहीं मैम, कंफ्यूज शायद हो रहा है। बीएस बाकड़कर क्या कह रही आदमी? मैम नाम फिर से बता दीजिए। नोट कर लिया करो बेटा तुम लोग, ठीक है, डीएच गार्डन। आप प्रोफेसर वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। प्रोफेसर वाकड़कर जो थे उन्होंने मध्य प्रदेश की एक और गुफा थी भीमबेटका, उन्होंने उनके चित्रों की खोज की थी, इनके चित्रों की खोज की थी डीएच गार्डन ने, ठीक है। शिवांगी आप सही थे, कंफ्यूज हो रहे थे। उसमें जो तीनों जो हमने बताया, तीसरे जो टाइप के चित्र हैं उनमें सैनिकों का दिखाया गया, सैनिकों के चित्र देखने को मिले, घुड़सवारी करते हुए चित्र मिले, या फिर मधुमक्खी के छत्ते से शहद एकत्रित करते हुए जाते हुए लोगों के चित्रण हुए हैं, नृत्य गायन वादन के चित्र देखने को मिले हैं, घुड़सवारी के अस्त्रधारियों के चित्र मिले हैं देखने को। तो इस टाइप के जो 3 टाइप के चित्र हैं ये आपके मध्य प्रदेश के पचमढ़ी गुफा में देखने को मिले हैं, ठीक है। इसमें भी जो कलर्स हैं वो आपके ज्यादातर रेड कलर यूज हुआ है पचमढ़ी में। इसमें बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना। अगला जो हमारा आएगा मध्य प्रदेश के गुफा क्षेत्रों में, उसमें हमारा दूसरा क्षेत्र जो आता है वो है भीमबेटका। भीमबेटका की बात हम कर रहे थे, भीमबेटका कहाँ पे है?
भीमबेट का है आपका भोपाल के पास में, ठीक। भोपाल के पास में एक भीमबेट का नाम की पहाड़ी है, वहीं पर यहाँ पे जो गुफा चित्र है वो देखने को मिले हैं। भीमबेट का में लगभग 500 गुफाओं में चित्र हैं, 500 से अधिक गुफाओं में चित्र है। अगर आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ करना चाहते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है। जिसको जो पूछना हो अपना वीडियो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। तो इसमें जो आपको 500 से अधिक गुफाओं में चित्रों का एक अपूर्व संसार देखने को मिलता है, बहुत सारी गुफाएं हैं। और इसकी भीमबेटका की गुफाओं की खोज का जो श्रेय है वो आपको वो जाता है उज्जैन विश्वविद्यालय के, जो हमने बताया था ना अभी प्रोफेसर बाकड़कर, उनको जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी जब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं देखने को। भीमबेटका की हम बात कर रहे हैं, भीमबेटका में कितने टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं? भीमबेटका में हमको दो स्तर के चित्र, मतलब दो टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं। पहले स्तर के जो चित्र हैं उनमें आपको हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि जानवर एक स्वतंत्र रूप से उनको चित्रित किया गया है। और दूसरे स्तर पर जो चित्रण हुआ है वो मानव, मतलब आदमियों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र, मतलब बहुत क्लोज रिलेशनशिप में दिखाया गया है, कि एक दूसरे को दोस्तों के रूप में दिखाया गया है, उस टाइप के चित्र मिले हैं। फिर खेती और पशुपालन जैसे चित्र भी उन्होंने उसमें दिखाया गया, क्योंकि उस समय तक मानव ने खेती और पशुपालन करना सीख लिया था, तो उस टाइम के भी चित्र उसमें देखने को मिले हैं। इनमें जो चित्र हैं उनमें ज्यादातर लाल, काले और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आरती समझ रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, इनमें भी लाल, काले और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो आपकी तीसरी गुफा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं होशंगाबाद, होशंगाबाद में एक जो मेन हमको चित्र देखने को मिलता है वो जंगली भैंसे का चित्र मिलता है देखने को, ठीक है। इसी में घुड़सवारों का एक दल बना हुआ है और रेखाओं से ज्यादातर उसका किया गया है, उसको चित्रित किया गया है। और इसकी जो रेखाएं हैं पृष्ठभूमि पर रेखाएं जो बनाई गई हैं वो येलो कलर से बनाई गई, येलो कलर से उनको घेरा गया है होशंगाबाद में। उसके बाद फिर आती है आपकी सिंघनपुर की गुफा, मंदसौर की गुफा, ठीक है, पहाड़गढ़, ये सारी गुफाएं जो है आपकी ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में आपका पहला मिर्जापुर हो गया, दूसरा है मानिकपुर। मानिकपुर में भी काफी सारे चित्र मिले हैं, बांदा जिले के अंतर्गत जो आता है। इसमें आपको तीर कमान लिए घुड़सवार देखने को मिलेंगे, छकड़ा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, ये सारे चित्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्र। बिहार में भी काफी सारे चित्र हमको देखने को मिले, जैसे एक शाहाबाद एक जगह पड़ती है और एक चक्रधर, ऐसे जो यहाँ के क्षेत्र हैं उनमें चित्र देखने को मिलते हैं बिहार में। मैम चक्रधर झारखंड में पड़ता है, अब वो चेंज हो गया है ना ये, क्योंकि बिहार का पार्ट जो कट के वो उसी में आया है ना झारखंड में। जी अच्छा, हाँ मैम ये बिहार का ही माना जाएगा, बिहार का। हाँ, नहीं बिहार का क्या, आप जैसे आप टाइप के आप अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो झारखंड की बात करेंगे। जैसे आपका जोगी मारा पहले मध्य प्रदेश में था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया तो अब वो जो हिस्सा आता है जोगी मारा का वो छत्तीसगढ़ में आता है, तो अब उसका क्वेश्चन जब पुटअप करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ भी उसमें ऐड करते हैं, तो छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में आता है। आपका मध्य प्रदेश भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, तो उसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, मध्य प्रदेश लगाते हैं, लेकिन जो अब उसका जो पार्ट आ गया है वो छत्तीसगढ़ में गिना जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं। इसी तरीके से बिहार में भी जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने कहा ना ये झारखंड में आता है, तो ये हिस्सा अब उसमें चला गया, पहले आपका बिहार में था लेकिन अब जब से ये अलग हुआ है तब से वो उसमें पहुंच गया। ये पहले पढ़े हुए हैं तो इसके। हाँ हाँ, ये बुक्स में जो बहुत पहले का है ना तो उसमें तो पुराना ही डिटेल दिया है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद है राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थान में भी काफी सारे चित्र हमको मिले हैं देखने को। और यहाँ भी ज्यादातर जो चित्र मिले हैं वो शिकारी जीवन के ही हैं, लेकिन उनके अलावा खेती और पशुपालन के भी चित्र हमको राजस्थान में देखने को मिले हैं। राजस्थान का जो एक आपको मिलेगा देखने को वो अलनिया है, उस जगह का नाम अलनिया के शैल चित्र करके, ठीक है, अलनिया में भी चित्र देखने को मिले हैं। उसके बाद है दक्षिण प्रदेश, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी आपके बहुत सारे, जैसे आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, या
आगे इसके और कई हिस्से हैं जहाँ पे ये चित्र देखने को मिलते हैं। हम ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि आपको ये सारी डिटेल थ्योरी में पढ़ने को मिलेगी, और हम सिर्फ उतनी चीजें बता रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है म्यूरल के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं लगता है कि आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम वो भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें किस टाइप के चित्र मिलते थे देखने को, ज्यादातर चित्र किस टाइप के थे, कोई बताएगा? यस मैम, आरती बताएंगे, आरती बताइए। जो हमें प्रागैतिहासिक के चित्र मिले थे वो किस किस टाइप के चित्र थे और किस उनकी विषय वस्तु मेन क्या थी? मैम प्रागैतिहासिक काल में पाषाण पर पत्थर का युग माना जाता था, उसमें पत्थर पे ही औजार औजार बनाया जाता था पत्थर का। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें मतलब कि लिखित मिलते थे बट उसको कोई पढ़ नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाया। हमें लिखित साक्ष्य मिले जरूर लेकिन उसको कोई पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ, उसको पढ़ नहीं पाया। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं आपसे आरती कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, मतलब उसमें सब मेन सब्जेक्ट्स क्या थे उन चित्रों के, ये आपको क्लियर हुआ? इसलिए पूछ रहे हैं आपसे उनमें किन किन चीजों के चित्रण हुए हैं, चित्रकारी का जो मेन सब्जेक्ट था मेन टॉपिक था वो क्या था, वो आपने जो बताया वो हम समझ गए। आप चित्र बताइए कौन कौन से चित्र मिले हैं। उत्तर प्रदेश का पता है, प्रागैतिहासिक काल का नहीं पता है। क्या हुआ आरती? मैम उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश का मालूम है बट इसका नहीं पता चला। जो आपको पता है वो बताइए, जो पता है वो बताओ। अच्छा तो मध्य काल का, अरे इसमें उत्तर प्रदेश का मालूम है। मैम उत्तर प्रदेश का नहीं मिल रहा, मध्य प्रदेश का लिखे हैं बता दे। हाँ बताओ, मध्य प्रदेश में जो वो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं उसमें जो है ना सैनिक के चित्रण मिला है, घुड़सवारी मिला है, शहद निकालते जाने के लिए जो सब यूज कर जाते थे औरतें उन लोगों का चित्र मिला है। और जो भीमबेट का भोपाल का था उसमें मतलब कि मानव की दोस्ती के बारे में है, खेती पशुपालन ये सब है। और होशंगाबाद में जंगली भैंसों घुड़सवारी इन सब को बताया गया, इसको मतलब कि होशंगाबाद का जो वो रेखाओं से उसको वो किया गया है और इसमें येलो कलर यूज करते थे। और माणिकपुर में तीर तलवार और आदमी का है, राजस्थान में शिकारी खेती पशुपालन अलनिया के चित्र ऐसे हैं। अलनिया राजस्थान में आता है आपका? हाँ मैम राजस्थान में बोल रहे हैं मैम, और बताना होगा, हो गया ना? और कौन बताएगा? ओजस्विनी मैम प्रागैतिहासिक में मैम वो जो मतलब जो आदि मानव जो शिकार करते थे उसके बारे में बनाए थे चित्र। ये कौन है, नाम बताओ अपना। मैम ओजस्विनी। अच्छा हाँ ओजस्विनी बोलिए। मैम उस टाइम वो लोग शिकार करते थे तो इसी और कोई मतलब ज्यादातर उनका ध्यान शिकार पे ही था तो इसी वजह से उन्होंने शिकार कर रहे हैं वो सब बनाया था। शिकार के आखेट के दृश्य बनाए, जानवरों के चित्र बनाए उन्होंने। यस मैम। ठीक है और कोई बताएगा कुछ? यस मैम। शशांक। हाँ प्रशांत बोलिए। मैम उस समय जुलूस आखेड़ मद्यपान के भी बनाए गए थे, नृत्य के भी बनाए गए थे मैम, उनकी आकृति होती थी वो ज्यामितीकार होती थी और त्रिशूल भी थे चक भी थे मैम त्रिभुज, क्योंकि वो लोग जादू टोने में विश्वास करते थे। और ये जादू टोने के जो विश्वास की बात है ये उनका शुरू हुआ है आपका नव प्रस्तर युग में यानी नव पाषाण काल में। उस समय क्या होता था उन्होंने बस्तियां बसाना शुरू कर दी थी, उन्हें थोड़ा बहुत रहन सहन का तरीका आ गया था तो उन लोगों ने अपने घरों को बसाना शुरू कर दिया था। इसके पहले क्या था वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, मतलब कहीं से निकल के कहीं भी चल पड़े, कहीं भी रुक गए अपना वहीं पे रुके, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए और जहाँ जाते थे वहां पे जरूरी थोड़ी है लौट के वापस आए वहीं पे, जंगलों में भटकते थे। उसके बाद जो तीसरा युग आया उनका यानी कि नव पाषाण काल, उसमें उन्होंने अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी, उन्हें रहन सहन का तरीका आ गया, उसी समय उन्होंने खेती पशुपालन भी सीख लिया था अच्छे तरीके से। तो ये समझ लो वो एक उन्नत समाज की नींव रख रहे थे।
अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए। तो उस समय में उन्होंने खेती पशुपालन के भी चित्र बनाए, और जो उस समय के बर्तन उन्होंने बनाने शुरू किए थे वो बहुत ज्यादा संयोजित, मतलब बहुत सुडौल होने लगे थे। अस्त्र शस्त्र जो बने थे वो बहुत ज्यादा सुडौल हो गए थे, उनका शेप बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया था। ठीक है, हाँ बताइए प्रशांत, आगे और बोलो प्रशांत। यस मैम, बताइए मैम क्या बताएं। और भाई इन लोगों ने रंगों का, चार रंगों का प्रयोग किया था, और इसके चित्र मिर्जापुर में, होशंगाबाद में, भीमबेटका का, भोपाल, पंचमढ़ी, रायगढ़, इन सब चीजों में मिला था मैम। ठीक, मतलब तुमने समझा। शशांक, शशांक हो आप? यस मैम। बताओ बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया? अच्छा ये बताओ आप में से इंग्लिश वाले कितने हो, जिसको मतलब हिंदी नहीं समझ में आती है, कौन कौन है? इंग्लिश वाला अलग से, शशांक के अलावा? मैम अमृता वर्मा। यस मैम, नित्या शुक्ला। अच्छा अमृता, आपको तो अप्लाइड लेना है ना? मैम अप्लाइड में ये बोला गया है कि मतलब अभी फिलहाल के लिए जब तक कंफर्मली ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक आप लोग पेंटिंग की क्लास लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आए थे तब सर बोल रहे थे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, तो हम आगे से ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप लोग, कुछ लोग इंग्लिश वाले हो तो हम कोशिश करेंगे कि आगे हम इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। मैम हिंदी से समझ में आता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे उनके वर्ड्स हिंदी से रहते हैं तो उसको हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उन वर्ड्स को हम आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। ठीक है, ओके मैम, आ जाएगा। अच्छा अभी तक जो समझाया शशांक को आ गया ना समझ में आपको? यस मैम, आ गया पूरा। ठीक है, अब आगे का ये है, जैसे अभी तो हम लोग थ्योरिकल बेस्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता रहे हैं, म्यूरल का इतिहास क्या था, किस तरीके से, तो वो हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको लिखा भी दें, क्योंकि ये आपका एक मटेरियल मेथड का जो टॉपिक रहेगा उसमें आपको म्यूरल के बारे में लिखने को भी आता है। म्यूरल का मतलब जो टॉपिक चलेगा उसमें आपका रिटर्न भी होगा, तो आपको हम लोग कोशिश अगर कल से लिखाने लगे तो क्या, ठीक है सभी के साथ? कोई yes, ma'am. नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम कल से लिखाना भी शुरू करते हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल मेन है, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना है, तो हमारे पास प्रैक्टिकल के 2-3 सब्जेक्ट हैं हमारे सेकेंड ईयर में। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा काम उसमें शुरू करा दें, क्योंकि अब आप लोगों को सीखना भी है, उसमें सीखना भी है और अपने वर्क को और इम्प्रूव करना है, तो हम वो काम शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। सभी के पास कॉटेज शीट्स वगैरह तो होंगी ना अभी प्रेजेंटली? नो मैम नहीं है यहाँ पे, मेरे भी नहीं है। बेटा तो अरेंज करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप लोग अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। ओके मैम, तो सारी शॉप्स भी खुली हुई है, सब कुछ है, सारा मटेरियल इजी वे में मिल जाएगा। आप लोग सारा मटेरियल एटलीस्ट, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो आप लोग कॉटेज शीट और पेंसिल वर्क, पेंसिल्स ले लो, तो हम लोग कम से कम जो पेंसिल वर्क है हमारा वो स्टार्ट कर पाए हम लोग, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत है और हमको आगे बहुत सारा काम करना है। और आपको सीखना है मेनली, जो चीजें आप फर्स्ट ईयर में नहीं सीख पाए हो वो आप आगे सेकेंड ईयर में सीखो। ठीक है, तो आगे हम लोग, हाँ तो कल से आप लोग ये काम ये करना कि थ्योरी तो हम लिखाएंगे ही, जो हमारे म्यूरल की थ्योरी है वो तो हम लिखा ही देंगे। दूसरी चीज ये है कि आप लोग कुछ कुछ स्केच बुक्स भी लेके बैठो, ताकि हम लोग कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करें। जैसे मान लीजिए हम 2 क्लासेस ले रहे हैं, तो एक में हम थ्योरी का पार्ट कराएंगे और दूसरा हम कराएंगे प्रैक्टिकल का पार्ट दूसरी क्लास में। ठीक है, yes, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इससे? no, सभी को काम करना, तो एक क्लास को हम थ्योरी का पार्ट बना देंगे और दूसरी क्लास में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्क भी हम ये सोच रहे हैं कल से हम लोग थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से सीखो। आप लोगों को शेडिंग अभी काफी वीक है, उसको और स्ट्रांग करना है, हमको इम्प्रूव करना है, तो हम उसको और अच्छे से काम करें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हमारी वर्क में दिखे। ठीक है, तो आप लोग ये मैनेज कर लो, स्केच बुक्स पुरानी पड़ी होंगी वही लेके बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, तो हम आपको कुछ शेडिंग के प्रोसेस सिखा देंगे कल, कोई कुछ नई टेक्निक्स। तो आप लोग वो एक्सरसाइजेज करते रहोगे तो उसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे शशांक काम करते हैं, शशांक का जो शेडिंग वर्क है काफी अच्छा है, लेकिन ये शेडिंग इतनी ज्यादा हार्ड कर देते हैं कि वो पत्ती जो लीव्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उसकी नेचुरलिटी ही खत्म हो जाती है, एकदम हार्ड। इम्प्रूवमेंट कर लिया है? इम्प्रूवमेंट कर लिया है आपने? यस मैम कर लिया है, शेड्स पता चल गया। पता चल गया, ठीक है,
ठीक है, कल हम आपका वर्क देखते हैं आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। आपने किया काम, ये तो अच्छी बात है। ओके मैम, ठीक है। और किसी को कहीं भी कंफ्यूजन कुछ पूछना है, कुछ वर्क से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ किसी को? आज और कल पढ़ाई उसमें से पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। मैम हम बता रहे थे लेकिन कल नहीं पढ़ते, वो आज ऐतिहासिक में कौन कौन सा चित्रण बनाते थे हमको वो बता दीजिए हम अच्छे से। क्या बेटा, क्या फिर से पूछो आरती, क्या हुआ? आज ऐतिहासिक में क्या क्या वो चित्रण बनाते थे हमको ये जानना फिर से। आज ऐतिहासिक युग में बेटा, आज ऐतिहासिक युग में जो हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको आप आगे पढ़ेंगे ना तो सिंधु घाटी की सभ्यता कोई बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत ब्रॉड चैप्टर है। बहुत सारी चीजें उसमें मिली, उसमें मोहरे भी मिली, उसमें आपके मिट्टी के बर्तन भी मिले, उसमें आपके औजार भी मिले, उसमें आपकी मूर्तियां भी मिली, जिसमें कांसे की भी मूर्तियां थी, मिट्टी की भी मूर्तियां थी, पत्थर की भी मूर्तियां थी, बहुत सारी चीजें मिली। तो ये सारी चीजें मिली और मोहरे जो मिली ना उन पे जो कुछ लेख मिले उनके साथ साथ में, उन लेख को कोई पढ़ नहीं पाया, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक में कहा। मतलब हमने बताया ना कि आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जिसमें हमें साक्ष्य तो मिले, हमें चीजें मिली उनको पढ़, लेकिन हम उनको पढ़ने में सक्षम नहीं क्योंकि वो उस भाषा में थे कि हम उस भाषा को आज तक समझ नहीं पाए, हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। तो उसमें क्या लिखा था वो चीजें हमें आज तक समझ में नहीं आई, तो वो हिस्सा जो हम पढ़ते हैं वो हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। और प्राग्य ऐतिहासिक काल का हमको ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला लिखित रूप से जिसको हम पढ़ सके। हमने चित्रों के आधार पे, हमने जो चीजें थी जो हमें औजार मिले उनके आधार पे हमने उसका अनुमान लगाया, लेकिन उसको लिखित रूप में हमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें हमको लिखित रूप में साक्ष्य मिले लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, हम उनको समझ नहीं पाए, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और जब सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे शहर आपको मिलेंगे, बहुत सारे चीजें को पढ़ने को, बहुत कुछ हुआ है उसमें। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसी में पहली बार पकी हुई मिट्टी के ईंटों की शुरुआत हुई थी, मतलब वहां से उनके साक्ष्य मिलते हैं जो उसमें स्नानागार बने थे, मतलब एक शहर की तरह उसको डेवलप किया गया था, इतना ज्यादा वो उस टाइम डेवलप्ड सिटी थी कि वो उसमें मिट्टी के ईंटों को, पकी हुई मिट्टी के ईंटों की सारे घर बनते थे, स्नानागार बनते थे, अन्नागार थे, स्नानागार सबसे बड़ा मिला है वहां पे सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो वो मैम आवाज नहीं आ रहा है, मैं आपको आवाज नहीं आ रही है मैम, अभी आई। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है। और तीसरा जो काल था उसमें हमने आपको बताया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मतलब वो इतिहास जिसके बारे में हमको पूरी जानकारी मिली, जिसके बारे में हमको पूरे साक्ष्य मिले, उनको हमने पढ़ा भी और उनकी पूरी नॉलेज है हमारे पास कि कौन सा किस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, किस युग से शुरू हुआ, वैदिक युग से शुरू हुआ, तो वो हमने ऐतिहासिक युग में काउंट किया। जैसे जोगी महाराज की गुफा है वो उसकी जो चित्रित गुफाएं हैं वो उस समय की थी ऐतिहासिक काल की, वहां से हम उसकी शुरुआत मानते हैं, ठीक है मैम। हाँ बेटा तान्या बोलो। जो काल हैं जैसे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रौद्योगिक काल और ऐतिहासिक काल, तो मैम ये जो इंडियन आर्ट हिस्ट्री है उसके अनुमान से उसमें सिर्फ आर्ट के टॉपिक्स आएंगे और वैसे हिस्ट्री है तो उसमें मैम सारा चीज इन्वॉल्व होगा ना? वैसे अगर देखा जाए तो इसमें आर्ट की हिस्ट्री के साथ सारी चीजें, क्योंकि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये समझिए ना, उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का तरीका, उन्होंने किस तरीके से, तो वो एक आर्ट का ही इतिहास माना जाता है, वहीं से उनकी शुरुआत हुई है और वहीं से सारी चीजों की। इसमें नहीं आता, जब हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में भी इसी तरीके की चीजें पढ़ी होंगी, हमको तो यही लगता है क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है भाई हिस्ट्री में हमारा। लेकिन उसमें वो पूरा पाषाण और नौ पाषाण आ जाता है। हाँ, इसमें प्रागैतिहासिक में हमने बताया था उस दिन जब हमने क्लास ली थी कि पाषाण काल को, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। हाँ, पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, और तीसरा काल जो है वो नव पाषाण काल है, उसको ईयरली हम लोगों ने डिवाइड किया है, मतलब जो भी वैज्ञानिक विद्वान थे उन्होंने पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया, ये तो हमने उस दिन बताया था, उस दिन शायद आप नहीं रही होगी क्लास में। और हर युग में कुछ नया शुरू हुआ, मतलब पहले युग में उनके पास क्या चीजें थी, दूसरे युग में उन्होंने क्या किया, तीसरे युग में उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें उसमें है तीनों कालों में।
पहले जैसे पहले युग में उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, वो लोग क्या करते थे, उनके पास एक आखेट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था, जंगलों में शिकार करना और उन्हीं को अपना भोजन बनाना, यही उनका एक काम था। उनके पास किसी भी चीज की ज्ञान, किसी भी तरीके का उत्पादन का कोई ज्ञान नहीं था, और वो औजार जो बनाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए, वो पत्थर और हड्डी से बनाते थे या फिर लकड़ी से बनाते थे, मोटे और भद्दे, क्योंकि उनको किसी भी शेप का कोई नॉलेज नहीं था। तो जो वो औजार सिर्फ ऐसा औजार बनाते थे कि उससे उनका काम चल जाए, वो उससे शिकार कर सके, तो वो जो उनके औजार होते थे वो मोटे और भद्दे औजार होते थे, ठीक है। उनको ना ही पत्थर से रगड़ कर आग जलाना आता था, और जो उनका स्वभाव था वो घुमक्कड़ी था, मतलब वो एक जगह कहीं पर रुकते नहीं थे, जहां से उन्होंने चलना शुरू किया फिर वो आगे बढ़ते जाते थे, ये जरूरी नहीं कि आप वापस उस जगह पर लौट कर आएंगे, तो वो उनका जो स्वभाव था वो घुमक्कड़ी स्वभाव था, बन जा रहे थे। हाँ हाँ, उसी तरीके का बोल सकते हो आप। तो ये उनका जो पहला पूर्व पाषाण काल था। उसके बाद जो आपका है मध्य पाषाण काल, उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने धीरे धीरे चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की, वहां से शुरुआत हुई चीजों की, जो औजार थे वो थोड़े से सुडौल बनाना शुरू किया उन्होंने। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज की बार बार बनाने की कोशिश करें, जैसे हम लोग आर्ट में पढ़ते हैं, अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहली बार में आपकी लाइन थोड़ी तिरछी आएगी, दोबारा आप करो तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, तीसरी बार करेंगे तो स्ट्रेट आएगी, चौथी बार जब आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइंस में फोर्स आ जाएगा, रिदम आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज इनके साथ भी, जो काम वो बार 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 करते रहे उसमें चीजों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता गया, तो उनके औजार जो थे वो अधिक सुडौल होते गए और उनको थोड़ा सा ज्योमेटिकल शेप देने लगे। वो मिट्टी के बर्तन बनाना उन्होंने शुरू किया इसी युग में, मध्य युग में, और जो औजार थे उनको परिष्कृत रूप दिया गया। उसके बाद जब तीसरा काल आया, जिसको बोलते हैं हम लोग नव प्रस्तर युग या नव पाषाण काल, उसमें क्या हो गया, उसमें उन्होंने कृषि और पशुपालन जैसी चीजों को अपनाया, मतलब जानवरों को पालना शुरू किया, उनसे खेती का काम लेना शुरू किया, और जो बर्तन वगैरह बनाए थे उसमें उनको और सुडौल रूप दिया गया, और जो उनका घुमक्कड़ स्वभाव था ना उसमें परिवर्तन आया। हाँ बेटा, मध्य पाषाण काल में अग्नि का मतलब आग, आग, आग उन्होंने जलाना सीखा, आग पत्थर से घिस के आग जलाना सीखा उन्होंने मध्य पाषाण काल में। तीसरे काल में उन्होंने अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी, गांव बसाने शुरू कर दिए, ठीक है। और उनके चित्र, उसमें जो चित्र बनाने शुरू किए उसमें उनके जादू टोने के चित्र भी देखने को मिले हैं नवप्रस्तर काल में। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो लोग, उन्होंने नव पाषाण काल में एक उन्नत समाज की नींव रखना शुरू कर दी थी, मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक उन्नत समाज की नींव रख रहे थे, एक डेवलपिंग बोलते हैं ना, कल्चर बनाने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी, ठीक है। तान्या, तो यही चीजें हमने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ी है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से हुई है, तो हमने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ी है। इसीलिए कहते हैं हमारी आर्ट में हिस्ट्री भी है, फिलोसफी भी है, ज्योग्राफी भी है, सारी चीजें हमारे आर्ट में, आर्ट के ऊपर है। क्या बेटा, ये जो काल है वो नाइन्थ की हिस्ट्री में है। हाँ, हमने बताया था कि हम लोगों ने अर्थ नाइन्थ में ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है, सभी को ऐतिहासिक काल के बारे में सभी को पता है, हो सकता है उतना डिटेल में नहीं पता होगा, लेकिन पता सभी को है। यस मैम, मालूम है मैम, इसमें जो ईस्वी आता, सन आता, वो भी याद करना पड़ेगा। हाँ, वो जैसे आप थ्योरी करोगे ना, अभी जब आपकी थ्योरी की क्लास शुरू होगी तब आपको पूरा डिटेल लिखाया जाएगा उसमें, तब आपको पूरे सन। हम ये इस टॉपिक की बात इसलिए शुरू कर दी क्योंकि हमारे म्यूरल का इतिहास, यानी हमारी कला का इतिहास यहीं से शुरू हुआ है। जब हम लोग म्यूरल के इतिहास की बात करते हैं ना, तो वो भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम बार बार यही बता रहे हैं, क्योंकि रॉक पेंटिंग उन्होंने शुरू की थी, और जो हमारे एक म्यूरल का ही हिस्सा आता है एक तरीके से, हम लोग यही बोल सकते हैं कि भित्ति चित्रों की शुरुआत भी उन्होंने यहीं से की, ठीक है। मैम, म्यूरल को हिंदी में डिफाइन कैसे करेंगे? म्यूरल को हिंदी में भित्ति चित्रण बोलते हैं। आप शुद्ध शब्द में बोल सकते हैं कि किसी भी अलंकरण के लिए, मतलब सौंदर्य या सृजन की दृष्टि से किया हुआ अलंकरण यानी डेकोरेशन जो है वो भित्ति चित्रण में आता है। भित्ति चित्रण आपको पता है, भित्ति मतलब दीवार पे किया गया अलंकरण, या मतलब सजावट के रूप में या किसी अलंकरण के रूप में हमने दीवारों पर जो भी चित्रकारी करी उसको हम भित्ति चित्र बोलते हैं। ओके मैम, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि कला का आरंभ मानव जीवन के आरंभ से शुरू होता है, भित्ति चित्रण जो परंपरा है वो आदिकाल से शुरू हुई, आदि मानव ने उसकी शुरुआत की, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग और ज्यादा क्लियर हो जाएं उसको लेके, ठीक है।
अभी कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? प्रशांत कटियार, और शिवांगी, सभी को समझ में आ रही है ना सारी चीजें? अगर नहीं आ रही है तो यस मैम, यस मैम, ठीक है मैम। हाँ हो गया मैम, कल थ्योरी में यही सब मैम, कल थ्योरी में यही लिखाएंगे जैसे जो सब लिखा देंगे, क्योंकि म्यूरल का जो पार्ट है ना उसको हम थोड़ा सा कल से लिखाना शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल का भी शुरू करेंगे कल से। एलिस, अमृता, आरती और कौन है? मैम प्रकाश, प्रकाश, रत्नेश, सेकंड ईयर प्रकाश, उसके अलावा मैम रत्नेश, रत्नेश हो गया, नित्या, शुक्ला और कौन है? प्रशांत कटियार, प्रशांत कटियार मैम, शिवांगी, हाँ हो गया बेटा मैम, शशांक कुमार प्रेजेंट, शशांक कुमार हाँ ठीक, और मैम ओजस्वी, ओजस्वी हो गया मैम, अंकिता सिंह मैम, प्रकाश का हो गया, हो गया बेटा मैम, रश्मि कुशवाहा मैम, माही शुक्ला की लगा दीजिए, उसका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, जब वो प्रेजेंट होगी तब लगा देंगे, अभी ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। मैम तन्ना गुप्ता, मैम मेरी हो गई, रश्मि कुशवाहा हो गया, ठीक है हम लोग लीव कर सकते हैं यहाँ से ना, कल भी वो प्रेजेंट थी, कल भी उसके प्रेजेंट नहीं लग पाई, हमने लगा दिया था क्योंकि हम स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।